आज हम डिस्कस करेंगे बोरेक्स, जिसे हम सुहागा भी बोलते हैं। आपने मुहावरा सुन रखा होगा, सोने पे सुहागा। तो सुहागे की हेल्प से हम क्या करते हैं, गोल्ड को अच्छी तरह से मेल्ट कर सकते हैं। तो जो फॉर्मूला आपने याद करना है बोरेक्स का, वो है Na2B4O7 × 10H2O। 10 क्या है इसमें, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब क्रिस्टल बनते हैं बोरेक्स के, तो उसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एसोसिएट रहते हैं, जुड़े रहते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला और दिया हुआ है बोरेक्स का, यही फार्मूला है, बस इसको थोड़ा सा खोल के दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, बोरेक्स की स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर 4 बोरोन एटम हैं आपके, 1, 2, 3, 4, ठीक है। हर बोरोन पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, 1, 2, 3, 4। तो आप यहाँ पर देखिए OH के कितने ग्रुप लगे हुए हैं, 4, ठीक है। बोरोन के 4 एटम हो गए, OH के भी कितने आपके ग्रुप हो गए, 4 ग्रुप हो गए। अब क्या रह गए आपके, ऑक्सीजन रह गए कितने, 5। अब जो 2 बोरोन एटम हैं, वो एक दूसरे से किससे जुड़े हुए हैं, थ्रू ऑक्सीजन, ठीक है, ब्रीजिंग ऑक्सीजन। तो 2 बोरोन के एटम के बीच में एक ऑक्सीजन एटम किस तरह काम करता है, ब्रिज की तरह काम करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका B4O5। अब बात आती है सोडियम की, 2 सोडियम है, ठीक है। ये 2 सोडियम कहाँ पर है आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो फर्स्ट और जो सेकंड, यहाँ पर मैं इनको डिनोट कर रहा हूँ 1 और 2 से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, सोडियम। यहाँ भी सोडियम है और यहाँ भी सोडियम है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बोरेक्स की स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हो। अब अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ, तो इसमें ये जो बोरोन एटम है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इधर वाला बोरोन एटम भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है, तो आप हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता सकते हैं। आप क्या करो, आपका जो सेंट्रल एटम है, वो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, वो काउंट कर लो। जैसे यहाँ पर ये बोरोन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp2। उस तरह से अगर मैं इस बोरोन एटम की बात करूँ, तो ये देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1, 2, 3 और 4। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। इसी तरह से ये बोरोन एटम, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगी, sp3, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है आपकी किसकी, बोरेक्स की। अब हम करेंगे इसकी प्रिपरेशन, हम किस मेथड से इसको बना सकते हैं। जो इसका ओर है, या फिर जिससे हम इसको प्रिपेयर करते हैं बोरेक्स को, वो है कोलेमनाइट, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारा जो कोलेमनाइट है, इसको अच्छी तरह से इसका पाउडर बना लेते हैं, और इसको बॉयल करते हैं किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन के साथ। तो सीधा ही क्या बन जाता है आपका, बोरेक्स बन जाता है, प्लस सोडियम मेटाबोरेट, और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट के क्या बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसको फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। फिल्टर करने के बाद आपका कैल्शियम कार्बोनेट ये अलग हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो मिक्सचर रह गया है बोरेक्स और सोडियम मेटाबोरेट का, इसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। तो जब हम इसको ठंडा करेंगे, तो क्या होगा, जो बोरेक्स है, इसके भी क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, इसको हम अलग कर लेंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा सॉल्यूशन में, सोडियम मेटा बोरेट। तो सोडियम मेटा बोरेट को भी हम क्या कर सकते हैं, बोरेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, हम जो बोरेक्स का जो सॉल्यूशन रह गया है सोडियम, जिसमें सोडियम मेटा बोरेट है, हम उसमें क्या पास करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। इससे क्या होगा, जो आपका सोडियम मेटाबोरेट है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम टेट्रा बोरेट में, Na2B4O7। और जब हम इसकी क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे, तो ये बोरेक्स के रूप में क्या हो जाएगा, क्रिस्टल आउट हो जाएगा, Na2B4O7 × 10H2O। और जो सोडियम कार्बोनेट, उसी तरह से इसके क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल बन जाएंगे, ठीक है। और इसको भी हम क्या कर सकते हैं, फिर सेपरेट कर सकते हैं।